लोकसभा और राज्यसभा में आज भी कांग्रेसी सांसदों के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल हंगामे के दौरान सदन में पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। मनमोहन सिंह मामले पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन में कुछ नहीं हुआ था, इसलिए माफी की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेसी सांसदों ने आज फिर गुजरात चुनाव के दौरान पीएम के मनमोहन सिंह पर आरोप लगाए जाने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कांग्रेसी सांसदों ने नारे लगाकर अपना विरोध जताया। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।